हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे। ये हमारा SVG कोर्स से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप इलिप्स एलिमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। आइए पहले देखते हैं कि इलिप्स बनाने के लिए हमारे को कौन कौन से एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक इलिप्स ड्रॉ किया हुआ है और ये हमारा पूरा एक व्यू पोर्ट है। अब इसके अंदर हमारे को जहाँ से हमने इलिप्स को स्टार्ट करना है वहाँ से हमारे को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इलिप्स को जब हम बना रहे होते हैं तो एक्स एक्सिस की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं CX। ये बिल्कुल सर्कल की तरह ही होती है जो आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल में देखा था। और यहाँ पे एक वाई एक्सिस के लिए हम प्रॉपर्टी लेंगे CY और साथ में दो प्रॉपर्टीज़ की और जो होती है रेडियस की, एक होता है रेडियस एक्स और एक होता है रेडियस वाई। मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपको रेडियस एक्स से ही होगा, एक रेडियस वाई। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ देखिए, हमने एक अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पे आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे एक हमारे पास एक डिव है, उस पर हमने क्लास लगाई है कंटेनर। उसमें एक बैकग्राउंड कलर, हाइट और विड्थ सेट कर रखी है, उसमें मार्जिन भी सेट किया हुआ है। और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है SVG टैग विद व्यू बॉक्स, जहाँ पे हमने इस व्यू बॉक्स की वैल्यू सेट्स की हुई हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने इलिप्स टैग से। इलिप्स टैग के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे CX और CY की। तो यहाँ पे मैंने CX सेट कर दिया 50 और CY की भी वैल्यू सेट कर दी 50। इसके बाद हमारे को यहाँ पे देना RX और RY। RX मतलब रेडियस एक्स एक्सिस है और RY मतलब रेडियस वाई एक्सिस है। ये मैंने दे दिया 20 और ये मैंने दे दिया जैसे 35। यहाँ आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा रेडियस आ गया। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो कलर आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिल। यहाँ देखिए, कलर फिल सेट हो चुका है। अगर आप इस पर स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो वो भी लग सकता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे स्ट्रोक और यहाँ पे जैसे मैंने कलर सेट कर दिया ब्लैक। ये देखिए, अगर आप जो फिल आ रहा है इसके अंदर उसकी जगह कुछ भी कलर नहीं लेना चाहते और उसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं तो उसकी जगह आप यहाँ पर वैल्यू में लिख सकते हैं नन। ये देखिए, इसी तरह आप एक ही SVG टैग में जितने मर्जी इलिप्स टैग ले सकते हैं। तो जैसे मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो यही रहने देते हैं और इसको RX और RY भी यही रहने देते हैं। इसको हम रोटेट कर लेते हैं। तो रोटेट करने के लिए हमारे पास जो CSS में पुरानी प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट, वही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ और जैसे मैंने इसका नाम ले लिया सेकेंड। तो यहाँ पर मैं CSS में ऊपर गया और मैंने यहाँ पर सेकेंड सेलेक्टर ले लिया और यहाँ पर अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट। और इसको मैंने मान लीजिए 30 डिग्री पे रोटेट करना है। तो 30 डिग्री ले ली मैंने, सेव किया फाइल को। ये देखिए, यहाँ पे ये रोटेट हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये रोटेट यहाँ से क्यों हो रहा है, एक्चुअल में हमें इसका ओरिजिन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या है और ट्रांसफॉर्म क्या है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने ट्रांसफॉर्म को समझाया है। तो यहाँ पे मैं इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन दे देता हूँ, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन 50% और 50%। यहाँ देखिए, ये रोटेट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट कर देता हूँ, जैसे 50। तो आप इस तरह जितने मर्जी इलिप्स टैग लेके उनको रोटेट भी कर सकते हैं या कहीं किसी भी तरीके की शेप बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।